अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आप लोगों ने पहले स्टडी किए होंगे या पढ़ा होगा जस्ट जनरल उनके बारे में। तो रिडॉक्स का वर्ड है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को कंबाइन करके जो है ना रिडॉक्स पोटेंशियल बोला जाता है। तो इसमें से हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिडक्शन हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस देर इज अ गेन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, एंड इन रिडक्शन लॉस और डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है हो रहा है। ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वहाँ से। जैसे हमारे पास क्या है, आयरन प्लस टू है, और ये अगर आयरन प्लस थ्री में जा रही है तो कैसे ये जाएगी, मेन पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज होगा, जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन को इस स्पीशी गेन कर रही है। जैसे हमारे पास क्लोराइड है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से माइनस वन आ रही है, मीन ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के वर्ड आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉज ऑक्सीडेशन एंड आर देमसेल्व्स रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अपनी ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा, ये दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका मतलब है दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो रही है तो खुद इसकी क्या हो रही होगी, रिडक्शन। क्योंकि एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन ले रही होती है तो दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे भी रही होती है, इसीलिए दोनों रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं कि वो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद इनकी रिडक्शन हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, नाइट्रिक एसिड वगैरह, और इसके ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरी स्पीशी की रिडक्शन करेगा और खुद इसकी अपनी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स काज रिडक्शन एंड आर देमसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। जैसे कि सोडियम है हमारे पास, या हाइड्राजीन्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाती हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग स्पीशी की। अब इसी तरह हमारे पास टर्म आती है रिडॉक्स पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और आयन टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिडॉक्स का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, ना रिडक्शन की बात हो रही है ना ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, कंबाइन दोनों को कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि किसी भी स्पीशी की कोई भी एलिमेंट है या आयन है, उसकी एबिलिटी, उसकी टेंडेंसी कि वो कितने आयन के कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ये उसको रिडॉक्स पोटेंशियल कहलाता है। इट इज कंबाइंड टर्म इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। कि ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही कंबाइन होते हैं हमारे पास। तो हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत शॉर्ट सा यहाँ पे करके दिया हुआ है, समराइज करके यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन आप इसको आप लोग की जो 9th 10th की बुक में थी आई थिंक, उसके अंदर या फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है ना मौजूद होंगी। तो यहाँ पे ज़रा उसको समराइज करके लिखा गया है, तो अगर आपने इसको थोड़ा डिटेल में करना है तो आप प्रीवियस बुक्स के अंदर से भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड इज इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोट्स एज कम्पेयर विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर्बिट्रेरी फिक्स एज जीरो एट 25 सेंटीग्रेड व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट कैटायन। ठीक है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी स्टडी किया हुआ है कि वो प्लैटिनम की रॉड होती है, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास आउट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल आ रहा होता है, यानी 1 मोलर HCl के सोल्यूशन में उसको रखा होता है, तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल आता है उसको जो भी वैल्यू है, चाहे 0 है, 1 है, 2 है, कोई भी वैल्यू है, उसको 0 कंसिडर कर दिया, यानी उसको रेफरेंस कंसिडर कर दिया।
तो उस रेफरेंस के लिहाज से जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, अब वो मेटल का ही बना होता है ना, ठीक है, कभी जिंक का मीन हमने जिंक को स्टडी करना है तो हम जिंक का इलेक्ट्रोड लगा लेंगे, अगर हमने कॉपर को स्टडी करना है हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा लेंगे, अगर हमने कोई और मेटल स्टडी करनी है हम कोई और मेटल का इलेक्ट्रोड लगा लेंगे और उसको उसी मेटल के सोल्यूशन में डिप भी कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रोड या वो स्पीशीज जिसका हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है। तो वहां पर जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर होगा, तो वो कैसे मेजर होगा कि अगर हमारे पास वो स्पीशी अपने 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप है उस, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है 25 सेंटीग्रेड, और प्रेशर क्या होता है 1 atm, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो आ रहा है जिसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ अटैच किया हुआ है, तो वहाँ पे जो उसका पोटेंशियल आता है वो हमारे पास उस स्पीशी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा है SHE के ऊपर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका। तो इसको मैं दोबारा आपको डिफाइन बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स एज कम्पेयर विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर्बिट्रेरी फिक्स एज 0 at 25 सेंटीग्रेड व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स कैटायन, के जो भी इलेक्ट्रोड है वो उसके अपने ही मेटल के जो है ना सोल्यूशन के अंदर 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विद अ कोटिंग ऑफ प्लैटिनम ब्लैक एट वन एंड, कि आपको पता है ये सारा आपने पढ़ा हुआ है कि प्लैटिनम की रॉड है उसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक लगाया होता है, मीन उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा रहा है इलेक्ट्रोड का, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वहां पर उतना ज्यादा रिएक्शन भी ज्यादा होगा। इट इज डिप इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिड, यानी HCl होता है उसके अंदर, क्योंकि हम हाइड्रोजन को स्टडी कर रहे हैं तो HCl का सोल्यूशन ले रहे हैं उसके लिए, एट 25 सेंटीग्रेड एंड हाइड्रोजन एट 1 एटमोसफेयर प्रेशर इज बबल ओवर इट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब हमारे पास क्या है कि जिंक को देखें अगर हम, दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक फॉर एग्जाम्पल इज +0.76 अगर इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 0.76, ठीक है, और दैट ऑफ कॉपर इज -0.34 वोल्ट, कि अगर एक साइड पे हमने जिंक लगाया हुआ है और एक साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसकी वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है +0.76, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कॉपर की ऑक्सीडेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, इसका मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है नेगेटिव है। हमारे पास दोनों होते एक जितने ही हैं लेकिन जस्ट साइन डिफरेंट होता है। अब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विद द चेंज साइन एंड दैट इज मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि जितने किसी स्पीशी की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, और ये एक होता क्या है ये ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। या आप सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप इस भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड की जो हमारे पास अबिलिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, या और इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि किसी भी स्पीशी की टेंडेंसी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। दस द रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में था जिंक का, तो अब भी इसका मतलब है ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा -0.76 है, और कॉपर के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है +0.34 वोल्ट, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड अंडर चेंज कंडीशन इज गिवन बाय नर्स इक्वेशन, द जनरलाइज फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी एन एफ लॉग नेचुरल ऑफ आइन, ठीक है। ई क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट यूनिट एक्टिविटी को हम ई नॉट से करें, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 atm प्रेशर, ठीक है, इसके ऊपर, और आर क्या जनरल गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन हाफ फ्रैक्शन,
कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और एन क्या है हमारे पास, फैराडे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर मोल, मोल के लिहाज से अगर हो तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करके जो है ना सारी वैल्यू फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आयंस क्या है, यहाँ पे लॉग नेचर ऑफ आयन के हमारे पास, एक्टिविटी ऑफ आयन विच कैन बी रिप्लेस बाय कंसंट्रेशन अंडर गिवन कंडीशन। अब हमारे पास कैनर्स इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्टिविटीज, या तो हम कंसंट्रेशन की टर्म ले सकते हैं या एक्टिविटी में ले सकते हैं, कि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ लॉग नेचर एक्टिविटी ऑफ रिडॉक्स स्पीशी ओवर ऑक्सीडाइज स्पीशी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता है प्लस और माइनस का साइन करने से एक के लिए क्या होगा कि लॉग नेचर में जो टर्म है वो ऊपर और नीचे हो जाएंगी, बस उसके अलावा और चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। और एक्टिविटी आपको पता है कि हम रियल सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे होते हैं, कि हम तो अपनी तरफ से 10 ग्राम डाल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में रिएक्टेंट के अंदर से 8 ग्राम यूज हो रहे हैं, तो वो उसकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन हम क्या है आइडियल केस में यूज करें या डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर मोलर कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं, और ये स्केयर ब्रैकेट जो है कंसंट्रेशन की टर्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एक रिएक्शन कि रिड्यूस स्पीशी आर ई डी जो है रिड्यूस के लिए यूज किया जा रहा है, स्केयर ब्रैकेट मीन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग स्पीशी, रिडक्शन स्पीशी। अब इसको रिड्यूस को आर ई डी को रिड्यूस स्पीशी के लिए याद रख लें और ओ एक्स को ऑक्सीडाइज स्पीशी के लिए रख लें। आपको पता है जो ऑक्सीडाइज स्पीशी है वो उसकी जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो दूसरे के लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना, ठीक है। या जिसके खुद रिडक्शन हो रही है तो वो क्या है, दूसरे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर सिंपली आप एक टर्म याद रख लें तो आपके दूसरी टर्म खुद ब खुद याद हो जाएगी, कि आर ई डी का मतलब क्या है, रिड्यूस स्पीशी, या ओ एक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज स्पीशी। हमारे पास फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल वी कैन डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, उसकी थर्मोडायनामिक्स के बारे में बता सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अ सेल कैन बी मेजर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूटिलाइजिंग एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, के हम हाफ रिएक्शंस को जो है कंबाइन कर लेते हैं, इफ द वोल्टेज ऑफ सेल इज पॉजिटिव देन द रिडक्शन इज देन द रिएक्शन इज पॉसिबल। अगर इसका जो सम होगा वो पॉजिटिव आएगा, जिसे हम वोल्टेज ऑफ सेल कहते हैं या ईएमएफ कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन प्रोसीड आउट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। इफ द रिएक्शन इज एंड इफ इट्स वैल्यू इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। द वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ रिएक्शन। लेट अस टेक द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इन दी डैनियल सेल। डैनियल सेल हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है कि जिंक सॉलिड, ठीक है, और कॉपर कॉपर सोल्यूशन होता है हमारे पास, तो वो क्या है, जिंक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है हमारे पास। तो रिएक्शन प्रोसीड इन टू स्टेप, हमारे पास क्या है कि टू स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होता है, कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होती है और टू इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑक्सीडेशन आपको पता है जो है वो एनोड के ऊपर होती है, ठीक है। तो एनोड पे के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है हमारे पास पॉइंट प्लस 0.76। और इसकी तरह जो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल रहे हैं वो क्या करती है, कॉपर, कॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो कॉपर पॉजिटिव आयन टू इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगी, तो उसका कैथोडिक रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होगा, क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन क्या होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होती है, जिसको कैथोडिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या, कैथोडिक पोटेंशियल की वैल्यू इसकी 0.34 है और प्लस में, तो इसका मतलब है ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, जिंक जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऊपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जिंक जीरो स्टेट से प्लस टू स्टेट में आ रहा है और कॉपर प्लस टू स्टेट से जीरो स्टेट में जा रहा है, और इसका ओवरऑल पोटेंशियल हमारे पास जो है वो प्लस 1.10 वोल्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लस में वैल्यू आ रही है, तो जिसकी वजह से इसका मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है हमारे पास। एज द वोल्टेज इज पॉजिटिव
रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी रिएक्शन प्रोसीड होगा एंड नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द रिएक्शन इज फिजिबल, कि रिएक्शन हमारे पास फिजिबल है, रिएक्शन पॉसिबल होता है. एक और एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल एज टू व्हाट रिएक्शन इज पॉसिबल इफ आयोडीन एंड ब्रोमीन आर एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयोडाइड एंड ब्रोमाइडाइन. ठीक है, दो रिएक्शन आपको दिखाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर से वो देखना ये है कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन जो है ना वो फिजिबल नहीं है. ठीक है, लेट अस सपोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशी इज 1 मोलर. ठीक है, टू पॉसिबल रिएक्शन आर फॉलोइंग, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला. ठीक है, पहले क्या है हमारे पास आयोडाइड आयन है, टू आयोडाइड आयन है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आयोडाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और वो जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले रही है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आयोडीन जीरो स्टेट में चला जाएगा, -1 से 0 पे आ जाएगा और ब्रोमीन क्या है 0 से -1 पे आ जाएगा. दूसरा रिएक्शन क्या है कि हमारे पास आयोडीन हो और उसके अंदर हम ब्रोमाइड आयन ऐड करें. ठीक है, या अब क्या है ब्रोमाइड आयन, दो ब्रोमाइड आयन है, मीन एक ब्रोमाइड आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, या इसको दो है तो ये क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करें, उसी तरह आयोडीन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके टू टू जो है हमारे पास आयोडाइड आयन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये दो रिएक्शन है, इनमें से देखना है कि पॉसिबल कौन सा है. ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, वोल्टेज ऑफ रिएक्शन 1 फ्रॉम द टेबल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज कैलकुलेटेड एज बिलो. कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देख लेते हैं कि वो कौन सी है. हमारे पास क्या है, पहला रिएक्शन क्या है, टू आयोडाइड आयन्स हैं, वो किसमें फर्स्टली कन्वर्ट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ठीक है, उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और वो जीरो स्टेट में आ रही है हमारे पास, -1 से 0 पे आ रही है, तो इसका वोल्टेज कितनी है, -0.535 वोल्ट. ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या है, ब्रोमीन की रिडक्शन हो रही है हमारे पास, ब्रोमीन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो वो क्या कर रही है, ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो रही है, उसकी ऑक्सीडे और उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, +1.056 वोल्ट. तो अब जब हम इसको सम अप करेंगे तो 1 में से 0.5 माइनस हो रहा है. ठीक है, तो आंसर हमारे पास जो आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि 1 वाली जो फिगर है वो ग्रेटर है. ठीक है, तो इसका मतलब है जो ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास प्लस साइन आ गया, प्लस साइन का मतलब है कि ये हमारे पास रिएक्शन फिजिबल है हमारे पास. ठीक है, अब यानी कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि टू आयोडाइड आयन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो ब्रोमाइड बना रहे हैं और आयोडीन बन रही है हमारे पास. ठीक है, और सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, द वोल्टेज इज पॉजिटिव हैंस द रिएक्शन इज पॉसिबल. और अब हम देखते हैं वोल्टेज फॉर द सेकंड रिएक्शन क्या है, कि सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास अगर ब्रोमाइड आयन है तो वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसका मतलब है हमारे पास क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ब्रोमीन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1.056. ठीक, अब दूसरा हमारे पास क्या है कि आयोडीन है, अब वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो दो आयोडाइन में कन्वर्ट होगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, +0.535 वोल्ट. अब इसका मतलब है बड़ी रकम जो है हमारे पास वो माइनस में है, तो आंसर इसका क्या आएगा, -0.530 वोल्ट. तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या बना है, टू ब्रोमाइड आयन है प्लस आयोडीन है और वो जा रहे हैं हमारे पास ब्रोमीन एंड टू आयोडाइड के अंदर. अब यहाँ पे वोल्टेज का सम जो है वो नेगेटिव वाला है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, जो ऊपर वाला रिएक्शन था वो फिजिबल हमारे पास, वोल्टेज इज नेगेटिव एंड द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो यानी कि हम किसी भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम थर्मोडाइनमिक्स बता सकते हैं ये यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल की वजह से. इसी तरह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एलिमेंट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सीरीज.
लिथियम हैज गॉट हाईएस्ट पोटेंशियल एंड फ्लोराइड आयन हैज गॉट लोवेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, अब डिफरेंट बुक्स देखेंगे, उन्होंने डिफरेंट तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया होगा। कुछ ने ये जो हमारे पास फ्लोराइड है वो वाली टर्म ऊपर लिखी होगी, ठीक है, और लिथियम वाली नीचे लिखी होगी, या उन्होंने क्या हुआ, लिथियम वाली ऊपर लिखी हुई है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है इन वोल्ट्स, उन्होंने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से लिखा होगा। वैल्यू तो वही होती है लेकिन वो प्लस में साइन में आ जाती है, ठीक है, और अगर ये माइनस में है तो वो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी एक वे से इसको तैयार कर लेना और देख लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक, अब हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंजमेंट विद उनका रेफरेंस क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या हमने जीरो कंसीडर किया, उसके लिहाज से उसको रेफरेंस रख के जो पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज आती है उसकी बेस पे इनको अरेंज कर दिया जाए। तो ये जो एक लिस्ट बन रही है ये हमारे पास क्या कह रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, जिसमें लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, माइनस में वैल्यू है, यानी वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, और ये आप देखें हाइड्रोजन से ऊपर हमारे हैं लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम जितने भी हैं, ये इनकी वैल्यू क्या है, 0.13 से इंक्रीज हो रही है, 1.5 आ गई है, 2.3, और ये ऐसे माइनस में ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि हाइड्रोजन से नीचे जा रहे हैं और नीचे वालों का है प्लस रिडक्शन पोटेंशियल और वैल्यू क्या हो रही है, नीचे की तरफ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वहां पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। हम इस सीरीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके लिहाज से कि दो स्पीशीज दे दी जाती है हम लोग को। अब ये अपने इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना आप लोगों ने और खुद से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ऑल दी अदर एलिमेंट ऑक्युपाई देयर पोजीशन अबव और बिलो ऑफ दी हाइड्रोजन इन दी सीरीज, तो सीरीज में हाइड्रोजन से अबव और बिलो एलिमेंट्स उनके अपने रिडक्शन पोटेंशियल की बेस के ऊपर जो है ना अरेंज करते हैं इनको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव गॉट द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। फर्स्ट वन क्या है, फ्रॉम द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द सीरीज वी कैन नो द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दैट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम किसी एलिमेंट की पोजिशन देख के उसको बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इन दिस सीरीज गिवन अबव वी कैन से दैट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड फ्लोरिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज इट गॉट द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड लिथियम इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लिथियम अल्कली मेटल में आती है। ठीक है, अल्कली मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है, ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि लिथियम क्या चाहती है कि वो अपना एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस कर दे, यानी इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना चाहती है। ठीक है, अब इसका मतलब है जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, लिथियम क्या चाहते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो खुद उसकी क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ऑक्सीडेशन थी। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, ऑक्सीडेशन। तो जिस स्पीशी की खुद ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या होगा, दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन अपने के अंदर से इसकी ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी स्पीशीज के अंदर इसकी ये रिडक्शन करता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है और ये लिथियम पोत जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अदर हैंड हमारे पास क्या है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन हेलोजेंस में है, हेलोजेंस की टेंडेंसी हमारे पास क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना चाहती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होती है तो खुद इसकी क्या होगी, रिडक्शन, और दूसरी स्पीशी की इसके साथ क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो लोवेस्ट एलिमेंट है उनकी क्या हो रही है कि उनकी रिडक्शन हो रही है और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस सीरीज वी कैन डिटरमिन वेदर अ मेटल विल बी डिस्प्लेड बाय अनदर मेटल और नॉट। के इस सीरीज से हम ये बता सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर हमने दो मेटल ऐड करनी है तो सोल्यूशन के अंदर कैसे रिएक्शन होगा, क्या एक सोल्यूशन के अंदर से मेटल, एक मेटल को दूसरी मेटल जो है रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती। इन दिस सीरीज ऑफ मेटल विल बी डिस्प्लेड द पॉजिटिव आयन ऑफ अनदर मेटल प्रोवाइडेड द लेटर मेटल इज बिलो द फर्स्ट वन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली मेटल होगी वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब हम ऊपर वाली मेटल कोई भी ले लें, यहाँ पे एग्जांपल आपको दी जा रही है जिंक और कॉपर वाली जो भी पीछे देखी है। फॉर एग्जांपल जिंक प्रीसीड कॉपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिंक पहले आती है यानी ऊपर है और कॉपर जो है बाद में आ रही है, दैट्स व्हाई जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर। यानी जिंक, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो तो हम उसके अंदर जिंक ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो वही एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि पहले क्या, जिंक सॉलिड को हमने ऐड किया, कॉपर एक्वस में होती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो तो क्या होगा, फिर जिंक एक्वस में हो जाएगी, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा और कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाती है। अब इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ जिंक और कॉपर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, जिंक क्या है, ये लिथियम पोटासियम कैल्शियम एल्युमिनियम मैग्नीज, उसके नीचे जिंक है। ठीक है, और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी नीचे जाके आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं ये आपको ये कह दूं, आयरन दे दूं और कोबाल्ट दे दूं कि इनमें से कौन सी मेटल जो है दूसरे को रिप्लेस कर सकती है, तो आपको पता होगा कि आयरन जो है वो ऊपर है तो कोबाल्ट जो है वो नीचे है, तो इसका मतलब है आयरन जो है कोबाल्ट को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन कोबाल्ट आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है हमारे पास। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन सी वेदर आर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ये जो पीछे हमने एग्जाम्पल भी देखी है, वी सम अप द वोल्टेज ऑफ टू हाफ रिएक्शन बाई कंस्ट्रक्टिंग अ सेल। इफ वोल्टेज ऑफ द सेल इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज पॉसिबल, इफ नेगेटिव देन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जिंक कॉपर वाला रिएक्शन है। ठीक है, पहला की स्टेप हमारे पास क्या है कि जिंक की हो रही ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, +7.6 वोल्ट। और दूसरी साइड पे क्या है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो उसकी रिडक्शन का पोटेंशियल +3.4 वोल्ट है। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो वो तो वैल्यू उसकी माइनस में आएगी। ठीक है, हमने एक सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है और दूसरे सेल का हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तभी सेल कंप्लीट होता है ना। ओवरऑल रिएक्शन क्या है हमारे पास, जिंक जो है वो और कॉपर आयंस में है तो कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक हमारे पास क्या है कि आयनिक फॉर्म में आ जाएगी। उसकी वोल्टेज +1.10 है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन पॉसिबल है हमारे पास, फिजिबल रिएक्शन है, थर्मोडायनामिकली हो सकता है। द वोल्टेज ऑफ सेल इज पॉजिटिव, द रिएक्शन इज पॉसिबल एंड द इलेक्ट्रॉन करंट इन दिस सेल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। के जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट में जाएंगे, तो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एज द फॉर्मर हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन देन द कॉपर, के जिंक कि ज्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें या इलेक्ट्रॉन को लूज करें, मीन उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जब किसी स्पीशी ऑक्सीडेशन होती है तो वो खुद क्या होती है, रिड्यूसिंग। ठीक है, तो जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एलिमेंट वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ एनी सेल विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग एनी टू एलिमेंट्स एज इलेक्ट्रोड और बाय कंबाइनिंग एनी टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अरेंजमेंट इज अ डैनियल सेल एंड इट्स कैलकुलेटेड वोल्टेज इज +1.10 वोल्ट।
ठीक है, तो ये उसके कुछ बेनिफिट दिखाएंगे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है ना अच्छे तरीके से करना भी है। पेरोडिसिटी इन रिडॉक्स प्रॉपर्टीज के, रिडॉक्स प्रॉपर्टीज की क्या पेरोडिसिटी है? रिडॉक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आल्सो एग्जिबिट पेरोडिसिटी इन जनरल एलिमेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि एस ब्लॉक हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है। स्ट्रांगली रिड्यूसिंग मीन उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेंगे तो उनकी अपनी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी वो दूसरे की क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो यानी दूसरों के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑन क्रॉस ऑफ द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एलिमेंट्स बिकम वीकली रिड्यूसिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग, जो दरम्यान वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास वीकली रिड्यूसिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं। ग्रुप सिक्स एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, यानी ऑक्सीजन वाला स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब खुद इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। द जनरल ट्रेंड आर समराइज एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एस ब्लॉक मेटल सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है इनकी, ये हमने पढ़ लिया। लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। यहाँ इनके नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल होते हैं, हमने देख भी लिया था कि इनकी वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा हो रही है, और लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। एग्जाम्पल है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रैक विद एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, और एयर या ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं तो ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। डायरेक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड के, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। डायरेक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू लाइब्रेट हाइड्रोजन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके वो क्या है, जीरो स्टेट में आके गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नीशियम आयंस में आ गई है। दे आर दीज आर एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ एस ब्लॉक मेटल सच एस मेटल रेडली गिव अप इलेक्ट्रॉन एंड देम सेल और ऑक्सीडाइज के, मेटल की तरह से क्या है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उनकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। सोडियम है, सोडियम वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्नीशियम क्या, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हमारे पास मैग्नीशियम टू ओ प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। द ग्रुप सेवन एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, हमारे पास ये क्या है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड पे है पीरियोडिक टेबल में तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, सेवन आपको पता है हमारे पास हेलोजन है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल है, और हमारे पास हाइड्रोजन से ये नीचे आ रहे हैं तो इनके क्या है, हमारे पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आ जाते हैं हैलोजिन्स में, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की आप वैल्यू देख लोगे तो ये वैल्यू इनकी पॉजिटिव आ रही होती है। क्लोरीन इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है कि खुद इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, मीन ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं और दूसरों के लिए स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। इट रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन इन सनलाइट टू प्रोड्यूस HCl, कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगी और HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट डज नॉट रिएक्ट विद द अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ऑक्सीजन एंड एसिड, जब खुद ही कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एक ही तरह की चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपस में तो रिएक्ट नहीं कर सकते। ग्रुप फाइव एंड सिक्स एलिमेंट द पी ब्लॉक एलिमेंट इन द मिडल ऑफ पीरियड टेंड टू बी वीकली रिड्यूसिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप सिक्स सिलिकॉन स्लो रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड, की यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इन ग्रुप फाइव नाइट्रोजन कैन एक्ट एज आइदर एज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों तरह से काम कर रहा है। जब ये ऑक्सीजन के साथ एक्ट करेगा तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो
नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले, आई मीन ऑक्सीडेशन हो रही है नाइट्रोजन की, तो फिर इसका मतलब है नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन एक्ट एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जब नाइट्रोजन रिएक्ट करे हाइड्रोजन के साथ तो फिर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसकी रिडक्शन हो रही है, और तो ये खुद क्या है, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन होकर हमारे पास अमोनिया बना रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन एक्ट एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी ब्रॉक एलिमेंट्स मोस्टली एक्ट एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो उनकी वो खुद क्या हो रही होंगी, ऑक्सीडेशन, और ये दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट इन हॉट विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। आयरन है तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, और ये स्टीम की फॉर्म में होगा, यानी हॉट वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगा। तो ये तो था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उनकी पीरियडिसिटी के। हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट और पॉजिटिव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इनके। और जो इधर से हमारे पास पी ब्लॉक है लेफ्ट वाली साइड पे, जैसे सेवंथ ग्रुप है, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनकी वैल्यू भी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और दरमियान वाले हमारे पास सम टाइम रिड्यूसिंग एजेंट और सम टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इसका भी ओरल टेस्ट होगा आप लोगों का।